प्रयागराज से मात्र 15 किलोमीटर दूर इदारतगंज में स्थित भारतीय वायुसेना का आकस्मिक उपयोग के लिए रनवे है और इसका उपयोग वायुसेना के विमानों की युद्धकाल में उड़ान और लैंडिंग के लिए किया जाने का प्रस्ताव है। पर प्रशासन की हीला हवाली के कारण जहां इस हवाई पट्टी के चारों ओर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, वहीं इस हवाई पट्टी पर उपयोग दो नंबर के काम के लिए किया जाता है। इदारतगंज का हवाई अड्डा का क्षेत्र जो कि 1947 में सैन्य मंत्रालय ने रख रखाव के लिए जिला प्रशासन को सौंपा था और 478.4 एकड़ भूमि को खेती और हरियाली के लिए दिया गया, जिसमें से आने वाले राजस्व से हवाई अड्डे और हवाई पट्टी की रख रखाव के खर्च पूरे किए जाएंगे। पर सरकार अपने अमीले के उदासीनता के चलते हवाई पट्टे के आसपास लोगों के कब्जा करना शुरू कर दिया। 1949 में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को और साथ में जिला प्रशासन को भी पत्रावली करते हुए उपरोक्त भूमि को वापस मांगा, पर तब से लेकर आज तक प्रदेश सरकार और उसके जिला प्रशासन ने नुमाइंदों के कान में जू तक नहीं रेंगी। वायुसेना का मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि 2017-18 में उक्त भूमि पर वापस लौटने के लिए कई पत्रावली की गई और स्थानीय लोगों को भूमि पर से अवैध कब्जा, खनन और अधिग्रहण करने से रोकने और जमीन खाली करने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है और प्रशासन को भी इस विषय पर कार्यवाही करने में मदद करने के लिए कहा गया है। के आसपास का जो एरिया है वो स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्टेट डिपार्टमेंट को हैंडओवर करी थी, जो कि लगभग 478 एकड़ के करीब जमीन है। वो दी थी कल्टीवेशन पर्पस के लिए, क्योंकि उस समय वो रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं थी रक्षा मंत्रालय को, और इस शर्त पे दी थी कि जब हमें चाहिए होगी तब हम वापस ले लेंगे, इसीलिए उसको कल्टीवेशन पर्पस के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था। 1969 में रक्षा मंत्रालय ने इस पर पत्राचार किया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि भाई हमारी ज़मीन आप हमको वापस कर दीजिए, जिसके ऊपर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कार्यवाही, ना कोई कार्यवाही हुई और ना ही कोई पत्राचार का जवाब दिया गया, जिसको कि रक्षा मंत्रालय कोशिश करता रहा कि वो ज़मीन खाली हो जाए और उनको वापस दे दी जाए। फाइनली 2017-18 में इसके ऊपर जो लोकल यूनिट है, मतलब कि मध्य वायु कमान, उसको ये बोला गया कि इसकी जानकारी हासिल की जाए और जो कार्यवाही करनी है वो की जाए, जिसमें जब मध्य वायु कमान की तरफ से इस पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया और जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उस पे अधिग्रहण हो गया है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यही जानकारी रक्षा मंत्रालय को दे दी गई और उसके बाद से अभी तक सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिप्लाई का ही वेट किया जा रहा है। इदारतगंज की जो ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वो 1800 मीटर की है, जो कि अगर पूरी अवेलेबल रहती, ठीक कंडीशन में रहेगी तो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकती है इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स में। हालांकि अब जो अधिग्रहण का अधिग्रहण हो गया है उस एयरफील्ड के ऊपर और आसपास, उस हिसाब से उसका इस्तेमाल होना मुश्किल है जब तक कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन केबल और जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसके चारों तरफ उनको हटवा ना दे। इस स्थिति में या तो वो एक्स्ट्रा ज़मीन मुहैया कराएं या फिर इन चीज़ों का अधिग्रहण हटाएं वहाँ से। किसी भी ALG पर कोई भी विमान उतारने से पहले उसको उस पर लैंड करने के काबिल बनाना ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से इदारतगंज अभी फिट नहीं है किसी भी जहाज़ को उतारने के लिए। तो पहले उसको जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडओवर करेगा इदारतगंज एयरफील्ड एयरफोर्स को या रक्षा मंत्रालय को, तो उसके पहले ठीक किया जाएगा, उसका आसपास का एरिया क्लियर करना पड़ेगा, तभी कोई जहाज़ उस पर लैंड कर सकता है।